जन्म देने के लिए एक माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए एक बहन चाहिए, पूरी जिंदगी साथ निभाने के लिए एक पत्नी चाहिए, पापा पापा बोलने वाली एक प्यारी बेटी चाहिए। लेकिन क्यों वही माँ, वही बहन, वही पत्नी और वही बेटी असुरक्षित है? आखिर क्यों समाज में बेटी को पढ़ाने से ज्यादा उसे बचाना जरूरी है? क्यों सब चुप रहते हैं जब तक बात आपके घर की ना हो, बात आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी या आपकी माँ की ना हो? अगर बेटी घर की इज्जत है तो इसे पिंजरे में क्यों बंद करना चाहते हो? क्यों हैवान की नजरों के बाद लड़कियों को ही दोषी ठहराते हो? आखिर क्या कसूर होता है उस 5 साल की मासूम बच्ची का जिसका बलात्कार कर दिया जाता है? हाँ, शायद उसके शरीर पर साड़ी या सूट नहीं सज रहा होता है। उस नन्ही सी जान को तो ये खबर भी नहीं होती कि ये दुनिया कितनी जालिम है। इस दुनिया में मानव के साथ साथ दानव भी जी रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया में उन दानवों को ढूंढ पाना तो नामुमकिन सा है, लेकिन उन्हें रोकना तो मुमकिन है ना? हैवान पैदा नहीं होता, जन्म तो हैवानियत का होता है। जब भी कहीं ऐसे घिनौने अपराध होते हैं तो सब यही कहते हैं कि उस लड़की का रेप हुआ है, बजाय इसके कि उस लड़के ने रेप किया है। हेडलाइंस में लड़की का नाम तो बड़े बड़े अक्षरों में छाप दिया जाता है, उनके नाम के हैशटैग चलने लगते हैं, उनके नाम पर कैंडल मार्च निकलते हैं, लेकिन उनका क्या जिसने रेप किया? उनको छुपा लिया जाता है, दूर दूर तक उनका नाम हेडलाइंस में नहीं दिखता, शर्मिंदा होने का तो नाम ही पैदा नहीं होता। आखिर क्यों रेप केस, प्रियंका रेड्डी रेप केस, निर्भया रेप केस जैसे नामों से जाने जाते हैं, ना कि उनके रेप करने वालों के नाम से? 4 दिन का तमाशा बनाया जाता है, डिबेट होती है और फिर पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में 15 दिन मुकदमे चलते हैं। इसके बाद महीना भर, अरे नहीं, पीड़िता का परिवार तो सालों तक इंसाफ की गुहार कोर्ट कचहरी में लगाता रहता है, पर मिलता क्या है? सिर्फ अगली तारीख। परिवार वालों को दिन बे दिन शर्मिंदा किया जाता है, जैसे ये कोई अपराध नहीं बल्कि पिक्चर चल रही हो। हर जगह गलती पीड़िता की होती है और गलत पीड़िता का परिवार। रेप के आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने एक डाटा जारी किया था, जिसके तहत ये पता चला कि 2020 के पूरे साल में दुष्कर्म के 28,046 मामले सामने आए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में रेप के 77 केस दर्ज किए जाते हैं, और यकीन मानिए कई केस तो डर और शर्मिंदगी की वजह से दर्ज भी नहीं कराए जाते। लेकिन आखिर क्यों? सवाल है हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर, हर एक नागरिक की मानसिकता पर। जो आदर्श हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं, अगर वही आदर्श हम अपने बेटों को भी सिखा दें। अगर किसी लड़की के बाहर जाने पर रोक लगाने से पहले किसी लड़के को पूछा जाए, अरे इतनी रात हो गई तुम्हें बाहर क्यों जाना है, तो शायद हमारे देश की बेटी सुरक्षित रह सकती है। शायद आपकी बहन बिना डरे घर से बाहर निकल सकती है। शायद कोई लड़की निर्भया बनने से बच सकती है। जिससे पहले कि मासूमियत की चीखें सुनाई दे, थोड़ी सी शर्म कर लो, अपना लो इंसानियत को तुम, और अंत कर दो इस हैवानियत का, अंत कर दो इस हैवानियत का।